अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हकीम खान। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करने चाहते हैं जो कि आपके आसपास, अगर आप गांव में रहते हो तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। कहीं पर भी किसी नुक्कड़ पर या खेतों में जो है ये एक जो है गंदगी के तौर पर लगती है, जो कि खरपतवार द्वारा आप जो है इसको बाहर निकाल देते हैं। ये घास के रूप में होती है, इसको बोलते हैं हुलहुल का पौधा। ये हल्का कांट, ये समझ लीजिए रुएदार पौधा होता है। इसकी जो है तने पे भी रुए होते हैं और इसके अलावा जो आप जो है इसकी फली देखोगे उनके ऊपर भी रुए होते हैं। इसके अगर आपको अर्क को आप चाहें तो कानों में डालने से कान का दर्द बहुत ही बेहतरीन तरीके से शांत हो जाता है। कान के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसके अलावा खाज खुजली के लिए एक बेहतरीन दवा है, जो कि मैंने खान हर्बल केयर वाले चैनल पर शेयर किया है उसका। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसकी मर्दाना ताकत से हवाले से जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैं बहुत ही डिटेल में यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मर्दाना ताकत के हवाले से ये एक बेहतरीन और लाजवाब औषधि है उन लोगों के लिए जिनका वीर्य बहुत ज़्यादा पतला है और इसके अलावा इंतशार की कमी है, ख़ास तौर पर इंतशार की कमी। वीर्य को गाढ़ा बनाने के साथ साथ ये अंदर इंतशार भी लेकर आता है। बहुत सारे नुस्खे ऐसे होते हैं जो वीर्य को गाढ़ा तो बना देते हैं लेकिन इंतशार नहीं लेकर आते, लेकिन ये एक चीज़ हुलहुल के जो बीज होते हैं वो इंतशार भी लेके आते हैं। तो आपको हुलहुल के बीज खाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं खाली नहीं, एक और औषधि के साथ साथ इसको इस्तेमाल कराऊंगा जिससे आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु भी बढ़ेंगे, इंतशार भी आएगा और वीर्य बहुत गाढ़ा भी होगा, जिससे आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी समाप्त होगी और आपके इसके अलावा आपको जो है चिपचिप पानी आता है, धात गिरता है, तब भी वो समस्या सोल्यूशन हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हुलहुल के बीज लेकर आने हैं, 50 ग्राम, पंसार स्टोर से आपको बआसानी ये मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते। इसके अलावा दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको डालनी है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली भी यही काम करती है, आपके वीर्य को गाढ़ा बनाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को शांत करती है, ख़त्म करती है, वीर्य को गाढ़ा बनाती है, मजबूत बनाती है, ठीक है। दोनों को 50-50 ग्राम लेके आप बारीक पाउडर कर लें। अब इसके अंदर शहद की मिकदार इतनी रखनी है ताकि आप इसकी गोलियां बना सकें। शहद इसके अंदर इतना ही इंक्लूड करना है ताकि आप इसकी सही से गोलियां बना सकें, ठीक है। जब इसमें आप शहद इंक्लूड कर लेते हैं, ये लुगदी नुमा बन के तैयार हो जाएगी। फिर आप इसको बारीक चने के बराबर गोली बनाकर तैयार कर ले, चने का दाना जितना होता है इतनी बारीक गोली बनाकर तैयार कर ले। अब आपको ये गोली छाँव में सुखानी है, धूप में नहीं, छाँव में, घर में रख दीजिए, आप इसको सुखा लीजिए। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सुखाने के बाद 3-4 दिन के अंदर ये सूख जाएगी। दूध ले लीजिए आप, उसको आप गर्म कर लीजिए दूध को, और गर्म करने के बाद उसको हल्का ठंडा कर लीजिए, गुनगुना, जब पीने लायक हो जाए। तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम आपको लेनी है, सुबह आपको खाली पेट और शाम को खाने खाने के घंटे बाद लेनी है। इसको आप 30 दिन तक इस्तेमाल कीजिए, आपको निश्चित तौर पर सारा जो मैंने प्रॉब्लम बताया उनमें सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर आप आजकल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिए।